हाँ जी जी ओके मैं विदुप्रिया चक्रवर्ती प्रिंसिपल सेंट थॉमसिस हूँ। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक को एजुकेशन स्कूल जो ऑलमोस्ट 100 साल से भी ऊपर बहुत पुराना स्कूल है हमारा शिमला में। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल का जो हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनके सामने बहुत कंपल्शंस हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो। इन चीज़ों को वो हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है कि वो लाइफ स्किल्स को अपने वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हाथ से बहुत अच्छे जाते हैं यहाँ पर, और मैं जो एज ग्रुप है मेरे पास नर्सरी से क्लास 12 तक, यानी कि 3 साल से बच्चा 17 साल तक जो बच्चा है वो मेरे पास है। बेसिकली जो मैंने देखा है अपने फील्ड पे, अपने प्रोफेशन में, वो यही है कि जो बच्चे आते हैं बेसिकली कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि फैमिली से जुड़ा हुआ ये मुद्दा बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को इग्नोर करते जा रहे हैं। वो जो एक समय था जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम देते थे, वो घटता ही जा रहा है, और इतना हद तक घट गया है कि शायद उनके लिए सिवाय एक सोशल मीडिया जिसका वो सहारा लेते हैं, और मेरे ख्याल से वो एक बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर वो बहुत अपना अकेलापन देखते हैं, और अपना जो एक फैमिली है लाइफ उससे वो दूर होते जा रहे हैं। और इसमें मैं ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि पेरेंट्स का हाथ इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि वो इस चीज़ को लेके अपने बच्चों को सीरियस नहीं है। मेरे ख्याल से एक फाउंडेशन होना एक अच्छे बच्चे का घर से ही शुरू होता है, एंड सेकेंडली वी से कि भाई जो एक स्कूल है वो दैट इज़ द सेकेंड, दैट्स द होम, द सेकेंड होम ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ हम पूरी कोशिश करते हैं स्कूलों में, चाहे मेरे स्कूल में हो किसी और स्कूल में, कि तालीम तो हम बिल्कुल सही देते हैं, कोशिश हम पूरी करते हैं, लेकिन आपके स्कूल में भी या हमारे मतलब हमारे स्कूलों में भी बच्चे हर एक किस्म के बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारा एक हमारी कोशिश रहनी चाहिए एक एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशनिस्ट की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चों को हर माहौल में पलना बढ़ना सिखाना चाहिए। कंपटीशन, मेरे पास ये है उसके पास वो नहीं है, बच्चे नहीं पूरा कर पाते, पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाते। व्हाट काइंड ऑफ कंपनी, किस किस्म की आपकी कंपनी है, क्या आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, क्या आप देख रहे हो, वो इश्यूज जो है वो बहुत सीरियसली हम सबको लेना है आज के जमाने में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इफ वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन व्हाट आर लाइफ स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट इज एज सून एज दे एंटर दिस वर्ल्ड, माने कि आप वो इस दुनिया में आ गए हैं, तो माँ बाप का फर्ज, टीचर्स का फर्ज, रिश्तेदारों का फर्ज, प्रिंसिपल का फर्ज, और हमारी एजुकेशन पॉलिसी का क्या इसमें हाल है, व्हाट इज आर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और द पॉलिसीज, हाउ डू वी गो अबाउट इट। क्या हमारे ऊपर स्ट्रेस लेवल बच्चों का बहुत ज़्यादा है, कि क्या हम लोग अपने बच्चों को उस चीज़ से निकाल पा रहे हैं, क्या हमारी पॉलिसी जो है वो एक स्टॉप क्या लेवल पे आ जाती है, आज ये कल वो, आर वी प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, आर वी सो सीरियस अबाउट इट। हमारा देश जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और भिन्न भिन्न प्रांतीय लोग बच्चे हैं, हर एक की जगहों का अपना कंस्ट्रेंट है, शिमला की अपनी कंस्ट्रेंट है, दिल्ली की अपनी कंस्ट्रेंट है, चंडीगढ़ की अपनी कंस्ट्रेंट है, तो उस लिहाज से हम उसको कैसे कोप अप करें उसका सोचना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा है, और हमारे स्कूल में अगर आप मेरे स्कूल की बात करें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा स्पेशली क्लास, वैसे तो वैल्यू एजुकेशन जो है वो नर्सरी से शुरू हो जाता है, बट एक पीरियड डेडिकेटेड है वो हर दिन, और 20 मिनट्स का वो पीरियड अर्ली मॉर्निंग में ही होता है, जहाँ बच्चे खुल के टीचर्स से अपनी बात करते हैं। पहला पीरियड जो शुरू होता है ही वही है जिसको हम जीरो पीरियड कहते हैं, वह चिल्ड्रन टॉक, यू नो, और उसमें वो जाके अपनी, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि
टीचर्स के साथ एक ऐसा तालमेल बन जाता है कि कुछ अगर उनके अंदर ऐसी भावनाएं भी हो तो वो उसको प्रकट कर सकते हैं. एंड टीचर बिकम्स अ काउंसलर बिफोर द पेरेंट्स शी बिकम्स अ काउंसलर. सो वो टटोल लेती है और मेरे ख्याल से वो एक कोप अप करने का है. 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक वेलनेस का पीरियड है जहाँ पर बच्चे टीचर्स के साथ वेरियस इश्यूज पे डिस्कशन होती है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, न्यूज पेपर्स कटिंग से ले लो आप, फिर उसके ऊपर आप प्ले कर दो, चाहे उस पर डिबेट हो जाए छोटा सा आधे पौने घंटे का, नॉट मोर देन दैट. तो दीज आर लाइक इश्यूज विच वी हैव टू टेक सीरियसली कि जहाँ पर बच्चे उस पर टीचर्स मिल के इनकी लाइफ स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें. हाल ही की बात है, कुछ ही मेरे ख्याल से पिछले साल की ही बात है, जब हम सबको पता है कि बहुत दहलाने वाला जो एक हादसा हमारे शहर में ही जो हुआ, वो युग का जो था, युग गुप्ता के हिसाब से, और जिसमें देखा देखा कि हम उसे उसमें बड़े यंग बच्चे भी थे, एक दो यंग बॉयज एंड बॉयज जो थे वो इन्वॉल्व थे. तो वॉट वॉज बिहाइंड दैट, यू नो, कि इतना कह सकते हैं कि कहाँ डायरेक्शन है, कहाँ उनकी डायरेक्शन गलत हो गई. क्योंकि जो मेरे जानने से है कि बच्चा तो बहुत अच्छा था, लड़का उनमें से एक जिसको मैं कह सकती हूँ कि मैं जानती हूँ, पढ़ने में भी अच्छा, डिबेट्स में, प्लेस में, ड्रामास में, एजुकेशन, हसमुख बच्चा, आज वो ऐसे क्यों हमसे दूर हो गया और इस चीज़ों में आगे बढ़ गया. तो बेसिकली मेरे ख्याल से इस लेवल पे जब बच्चे आ जाते हैं 20 तक 19 20 21, जो पेरेंट्स प्रॉबेबली नहीं दे पाते हैं, सो आप मॉनिटरली जो एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाते हैं बच्चे, जब छोटे शहर से शिमला से निकल के बड़े शहर में जाते हैं तो शायद वो कोप अप नहीं कर पाते. तो उसको लेके हमें थोड़ा समझना चाहिए एंड एज एन एजुकेशन पूरी अपनी कोशिश करते हैं और करते रहना चाहिए हमें. आपको क्या लगता है मैम, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे उसकी, जिस भी स्टूडेंट की या जिस भी बच्चे की आप बात कर रहे हैं, कि जब वो पढ़ने में अच्छा है और सब कुछ उसकी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हुई है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर रहा होगा उसको इन ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ा? या जैसे मैंने कहा जो, और जितना हमने अखबारों से पढ़ा जी, और जितना हमें पता लगा थ्रू मीडिया ऑल्सो, कि बिजनेस वाले थे, छोटे मोटे स्मॉल ट्रेडर्स, नॉट वेरी बिग ट्रेडर्स, तो देयर इज वो एक रह जाता है, देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस कि आज मेरे पास मारुति 800 है, आई शुड इमीडिएटली शॉर्टकट इन लाइफ, यू नो, BMW, आई शुड गेट इमीडिएटली. तो वो एक यू वांट टू टेक शॉर्टकट, तो शॉर्टकट के लिए आप क्यों, आप व्हाई शुड यू गेट इनटू दिस, यू नो, ये बहुत जरूरी है समझना कि वो शॉर्टकट उसने वो चूज वो उसने अगर वो मार्ग चूज करा है तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए, पूरा समाज, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट समवेयर डाउन द लाइन. सो एज आई सेड, यू नो, कि चाहे वो घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कहीं ना कहीं हम लोग वी आर फेलिंग समवेयर टू ब्रिंग आवर चिल्ड्रन ऑन टू अ लेवल वेयर दे शुड लीड अ स्टेबल एंड हैप्पी लाइफ. आप मैम कुछ मैसेज देना चाहेंगे उस बच्चे के पेरेंट्स को जो आज इतने दुखी हैं? लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट योर चाइल्ड हैज डन, ही शुड आल्सो एक्सेप्ट, बच्चा भी एक्सेप्ट करे अपने बच्चों की. जब आप खामियों को एक्सेप्ट करोगे ना तो उसको डील करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप पिन पॉइंट कर लेते हो कि कहाँ मेरा बच्चा गलत है. हाँ, कि मेरा बच्चा गलत है, लेट मी वर्क ऑन दैट. नहीं मैम, जो बच्चा डिजीज बच्चा था उसमें, उस बच्चे के पेरेंट्स को, युग के पेरेंट्स को अगर आप कुछ कोई मैसेज देना चाहें. वेरी डिफिकल्ट, तसल्ली, और अगर उनके पास अगर कोई और दूसरा उसका सिबलिंग है, उसका और छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है, तो जो मैंने ये बातें कही वो शायद ध्यान से देखें, सुने, और उसी जैसे मैं कह रही हूँ किसी शॉर्टकट में नहीं, अपनी लाइफ स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए बच्चों की एंड लर्न टू फेस द वर्ल्ड, क्योंकि चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर फॉरएवर एंड एवर, ये कभी खत्म नहीं होंगी और मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वी शुड नो हाउ टू फेस दैट.